हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर वेल इन आईसीएससी बायोलॉजी एग्जामिनेशन। पर उससे पहले काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम द चैनल। अब हम बात करते हैं हमें कैसे अपना ट्रिक रखनी है कि अपना आईएससी में अच्छे मार्क्स आ जाए, 90+ आ जाए बायोलॉजी में। तो उससे पहले हम बात करते हैं पेपर कैसा होएगा, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपको लास्ट में सुबह उठ के कैसे लास्ट में रिविजन करना है। पर उससे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन वन। सेक्शन वन जो कंपलसरी पार्ट होता है कि उसमें हम लोग कुछ छोड़ नहीं सकते, हमें सब करना पड़ेगा। और वो हमारे सब कैसे आएगा कि हमें जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, हम लोग इसमें चॉइस नहीं रख सकते। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको मतलब कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, एवरीथिंग इज कंपलसरी फॉर यू। कि छोटा छोटा चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े से बड़ा चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सेक्शन वन है 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स बहुत बड़ी वेटेज होती है, और जिसको 90+ स्कोर करना है तो उसे 40 मार्क्स में से 40 तो लाना चाहिए। और ये 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ये वन वर्ड होते हैं, मैच द कॉलम होते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं, और ये बहुत स्कोरिंग होते हैं। क्योंकि इसमें आपको रीजनिंग नहीं देनी पड़ती, जैसे गिव रीजन्स हैं बहुत लंबे आंसर्स होते हैं, जैसे एक्सप्लेन द वर्किंग वाला, वो सब आपको नहीं देना। तो ये वन वर्ड के होंगे तो ये बहुत स्कोरिंग भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नेम द फॉलोइंग है, ये खाली वन वर्ड है, आपको एक मतलब सिंपल एक वर्ड देना है और आपका आंसर हो गया। तो ये काफी स्कोरिंग है, एक एक मार्क के सारे होते हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपनी नई पेपर जो मिलेगा शीट पे, आपको सिंपली लिखना है क्वेश्चन वन विद अ ब्लैक इंक। ऐसे आपने क्वेश्चन वन लिखा, और आईएससी में आपको अच्छे पेपर्स मिलते हैं अच्छी क्वालिटी के, ए डाल के आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ के फिर वन डालना है आंसर, फिर सेकेंड डालना है फिर आंसर, और वन और सेकेंड क्वेश्चन के बीच में मेंटेन वन लाइन गैप। इससे क्या होगा, क्लैरिटी आएगी आपके क्वेश्चन पेपर में, और जितना आपका नीटनेस अच्छी होगी क्वेश्चन पेपर की उतना एग्जामिनर इंप्रेस होता है। तो क्योंकि बहुत आपको कंजेस्टेड ही लिखना ताकि एग्जामिनर को आपका आंसर ढूंढना पड़े, जहाँ पे एग्जामिनर को अपना खुद का आंसर ढूंढना पड़ेगा तो इरिटेट होगा, और तो क्या पता वो आपका आंसर काट भी सकता है कि अगर ठीक भी होगा या कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो साथ में इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नीटनेस कैरीज मार्क्स, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, पर हाँ एक इम्पैक्ट रहता है। साथ में आपका आता है करेक्ट द ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है इसमें करेक्ट द ऑप्शन में, जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट का है द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज विल बी द फास्टेस्ट व्हेन डे इज हॉट, ऐसे टाइप का आपका आता है, तो ऑफकोर्स हमें पता है आंसर ए है। तो हमें इसके आंसर ए के लिए क्या करना होगा, आपको डालना होगा क्वेश्चन वन पार्ट बी, आपने नए पेज से तो नहीं, उसी से कंटिन्यू करेंगे तीन चार लाइन छोड़ के, और साथ ही साथ आपको डालना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट का आंसर है मान ए है, तो आप ए लिखेंगे ब्लैक इंक से, और साथ ही साथ अपने ब्लू इंक से इसका आंसर भी लिखेंगे, जैसे हॉट, ह्यूमिड एंड विंडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको साथ, ये नहीं कि करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है तो खाली आप खाली ए ऑप्शन लिख के चले गए, नहीं, हमें अच्छे से पेपर देना है तो हमने उसके आगे करेक्ट आंसर भी लिखेंगे। जो भी आंसर होगा उसके आगे आपको उसका सीक्वेंस लिखना है कि सी सीक्वेंस का आंसर सही है, और साथ ही उसके साथ आगे जो वर्ड में आंसर है उसको भी आपको लिखना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन वन का ए और बी पार्ट का। अब हम बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट क्या होता है, पूरा पैराग्राफ होता है किसी बुक का एक्सट्रैक्ट उठा के, उसमें से ये आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें नॉर्मली सारे साइंटिफिक टर्म्स आते हैं। तो आपको इसको भी सिंपली अटेम्प्ट करना है सी देख के क्वेश्चन वन, और आपको इसका आंसर लिखना है टू आंसर, नीटनेस कैरीज मार्क्स। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, और जो आंसर्स हैं वो इसी में से होंगे, तो आपके पास ज़्यादा स्पेलिंग्स भी है तो ध्यान से स्पेलिंग्स देख के सही लिखिए, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर है, इंग्लिश का नहीं है या मैथ्स का नहीं, कि जो स्पेलिंग्स हैं इग्नोर करी जाएंगी। स्पेलिंग्स कैरीज मार्क्स, अगर आपकी स्पेलिंग गलत हुई तो ऑफकोर्स आपके मार्क्स कटेंगे, तो इसलिए ध्यान से स्पेलिंग्स देख के जाइएगा, और अच्छे से स्पेलिंग्स एक बार चाहें तो लिख लिख के याद भी कर लीजिए, क्योंकि स्पेलिंग्स हर वर्ड की, क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं स्पेलिंग्स बच्चे ज़्यादातर गलत कर देते हैं, तो स्पेलिंग्स को प्लीज़ ध्यान से रखिएगा, वरना एक स्पेलिंग गलत आपका एक मार्क गलत, क्योंकि वैसे भी वन वर्ड आंसर्स होते हैं। नेक्स्ट बात आती है एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली ऐसे इसकी लोकेशन आपको फर्स्ट सेकंड के एडनल ग्रेन की है, आपको सिंपली बस जो इसकी लोकेशन, ऐसे फॉर एग्जांपल इसकी लिवर है, मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, तो अगर हम लोग लिवर है तो लिवर लिख के बस आंसर खत्म, एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट ही बतानी है। और साथ ही साथ आपको इसको वन वर्ड में ही कंप्लीट करना है, और इसका याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप पहले से ही अपने नोट्स बना लें, और नोट्स में आपको लगता है जो ऑर्गन इंपॉर्टेंट है तो उस ऑर्गन के साथ अपना आप इधर लिख दीजिए अपने नोट्स में ऑर्गन और उसकी लोकेशन, आपको पता है ऑलरेडी जब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनके लिए अच्छे से आप एक पहले से ही अपने नोट्स तैयार रखें, ताकि लास्ट मोमेंट पे
आपको याद ढूंढना ना पड़े कि अरे मेरे को ये इसका ये याद नहीं है, इसके लोकेशन का है, आपका अपने नोट्स बने हुए, आप सिंपली देखें और आपको पता चल जाए। और बेस्ट आपको मैं इसका दूंगी, आपको यहाँ से आधी चीज़ें मिल जाएंगी 10 ईयर्स से, क्योंकि नॉर्मली रिपीट ही होते हैं। सबसे पहले आप 10 ईयर्स में जितने भी ऑर्गन्स की लोकेशन पूछी है उसका और उसकी लोकेशन आंसर एक अपने नोट शीट पर बना लीजिए, ताकि ये 10 ईयर्स का तो कन्फर्म है, ये रिपीट होती हैं ये नॉर्मली, और जो आपके नए चैप्टर में ऐड हुई है साथ में उन ऑर्गन्स और उनकी लोकेशन, तो आपका एक अपने आप में नोट्स तैयार हो जाएगा और आपने अच्छे से याद करो तो आपके 5 मार्क कन्फर्म है। 5 मार्क्स धीरे धीरे अच्छे मार्क्स आपके एक एक मार्क बढ़ाने के लिए काम आएंगे। नेक्स्ट आता है, और ये आपके जो आपका नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन कि गिव 5 सेट ऑफ टर्म्स है, हमें इन्हें अरेंज करना है और रीराइट करना है कि एक लॉजिकल सीक्वेंस दे, जैसे जो फूड है माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक कैसे आता है, ये एक सीक्वेंस बन गई है, ऐसी आपको इसकी सीक्वेंस बनानी है। इसमें आपको क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको डाल लीजिए, जैसे ई का है, ई का फर्स्ट है, तो डायरेक्टली आपको इधर आंसर लिखना है एज इट इज, और आंसर आपको नीटनेस के साथ लिखना है और विदाउट विद प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द टू वर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल माउथ स्पेस इंटेस्टाइन, ये नहीं कि आपने माउथ और इंटेस्टाइन बहुत पास में लिख दिया कि एग्जामिनर को पता नहीं चला कि वर्ड एक ही है या अलग है, क्लियर और स्पेसिफिक रहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमें आइडेंटिफाई द ऑड टर्म और हमें उसमें बताना है कि ये जो बाकी कैटेगरी है किसमें है, तो अब हमें इसके लिए भी साफ है, जैसे एग्जाम्पल दिया है आपको एज इट इज ही लिखना है, ये आपके साथ ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्पल देता ही है, तो देखा इसमें इन लोगों ने डायरेक्टली स्पेसिफिक ही बोल रहे हैं, ये यूटर एक एक्स्ट्रा था और बाकी सब पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थे, सिंपल एग्जैक्ट और वर्ड टू वर्ड था, इसमें अगर एग्जाम ना सीधे आपके 1 मार्क्स आएगा, तो इसलिए आपको इसमें वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट रहना है और आपको ऐसे पूरा एक्सप्लेन मेंशन कर, एग्जाम बहुत लंबा होएगा ऐसा नहीं है, आपका विद इन टाइम ही खत्म होगा, आपके पास टाइम बचेगा, तो तरीके से हमें देखना है, हमें ऐसे एग्जैक्टली लिखेंगे ऑड टर्म और कैटेगरी, मतलब जैसा ये है हमें वैसे ही दोबारा अपना आंसर लिखना है टू मेक श्योर वी हैव अ प्रेजेंटेबल आंसर शीट। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके बुक के जो डायग्राम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बुक के जितने भी आपके नॉर्मली डायग्राम्स हैं और जो सर ने आपको बताए हैं ऑलरेडी पीछे पिछले वीडियोस में, उनको आप अच्छे से ग्रैब कर लीजिए, एक बार बना के देख लीजिए और एक बार मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि डायग्राम्स दो इंपॉर्टेंट पार्ट में, एक तो आपका सेक्शन ए में कंपल्सरी में है और एक सेक्शन बी में आपका जो नॉन कंपलसरी सेक्शन होता है उसमें एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए आपके डायग्राम्स पे हिस्ट्री में और बायो में कमांड अच्छी होनी चाहिए। अपने बुक के सारे जितने डायग्राम्स हैं उन्हें ग्रैब अप कर लीजिए, नॉर्मली आपका जो आएगा एक तो आएगा आपका एक्सपेरिमेंटल आता है और एक नॉन एक्सपेरिमेंटल आता है, सेक्शन बी में नॉर्मली नॉन एक्सपेरिमेंटल डायग्राम्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ सकता है, मेल रिप्रोडक्टिव हो जाएगा, आपका आई हो सकता है और उसके बाद आपका कुछ भी आप हो सकता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का आ सकता है, तो इसलिए हमें इनको अच्छे से याद करना पड़ेगा। और ये जो फर्स्ट पार्ट में डायग्राम है इसमें इजी आते हैं, एक एक वन वर्ड मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वर्ड विच हार्मोन इफेक्ट, ऐसे सिंपल बिल्कुल आपके आंसर्स आएंगे, वन वर्ड के होंगे या ज्यादा सिंगल लाइन के, उससे ज्यादा आंसर्स नहीं होते, तो हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इन पे, सिंपल वन वर्ड या एक लाइन का आंसर ही देखना है, क्योंकि कैरी भी 1 मार्क की करेगा एक क्वेश्चन, तो हमें 1 मार्क के हिसाब से आंसर देखना है, हमें इतना लंबा पेपर नहीं देना कि हमारा पेपर छूट जाए। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे मैच द कॉलम, मैच द कॉलम करने का आपको नॉर्मली तरीका ये नहीं है कि हमें अगर ए का आंसर बी है तो हम ऐसे मैच कर रहे हैं या ऐसे मैच करें, इट्स अ रॉन्ग मेथड, हमें क्या करना है कॉलम ए इसके सारे पहले हमें जो दिए हुए हैं वो सब लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, और उसके साथ कॉलम बी के सामने हम लोग क्या लिखेंगे करेक्ट आंसर्स, जो इसका ए का करेक्ट आंसर है वो लिखेंगे, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, ये करेक्ट आंसर्स हैं वो लिखेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिक जो नंबरिंग दी होती है हम उसी को फॉलो करें, अपनी न्यूमेरिक नंबरिंग नहीं लगाएंगे, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे रोमन में 1 दिया हुआ है तो हम लोग ये नहीं है कि न्यूमेरिकल 1 ऐसे लिख के आएंगे, जो है वो ही लिखेंगे हम लोग। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन बी की, सेक्शन बी में हमारे पास चॉइस होती है 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 6, तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस तब भी बचे हैं एक्स्ट्रा, अगर आपको डाउट है कि मैंने जो क्वेश्चंस 4 अटेम्प्ट करे हैं उसमें से 1 मार्क की कहीं गलती हो सकती है या कुछ गलती हो सकती है, तो फॉर अ सेफर साइड आप क्या कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि आईएससी में बेस्ट ऑफ 4 की चेकिंग होगी, आपका जो पहले के 4 क्वेश्चन सही होंगे उन्हीं की चेकिंग होगी और गलत वाला निगलेक्ट कर दिया जाएगा जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, तो इसलिए मेरी आपको एडवाइस है 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट, मतलब आप क्वेश्चन पेपर में 5 आउट ऑफ 6 करें, ताकि अगर मान लीजिए आपसे कुछ गलती होती है क्वेश्चन में तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है चेक करवाने के लिए, और अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको क्या होता है 5th वाला का अच्छा स्कोरिंग होगा तो 5th वाले को एग्जाम में डेफिनेटली कंसिडर करेगा,
तो इसलिए फॉर सेफर साइड आप एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करिए, और आपके पास टाइम भी होएगा, बायोलॉजी का पेपर तो लंबा होता नहीं है, तो इसलिए एक पेपर आपके पास एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का डेफिनेटली टाइम होएगा। तो व्हाट आई सजेस्ट, यू शुड अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। अब हम बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन आएगा हमारे पास ये डायग्राम बेस्ड होएगा, और इसके ऊपर हमें सिंपली वन वर्ड है आपको पहले नेमिंग करनी है। नेमिंग के लिए आप ऐसे करेंगे कि वन टू उसके सामने और थ्री उसके सामने, एक एक लाइन के गैप के साथ। साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन द फिनोमिना करना है, ये 2 लाइन का होएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और डिफरेंसेस जैसे आपको देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चंस हैं, एक एक मार्क के हैं, तो डिफरेंसेस आपको उसी हिसाब से, आप 2 डिफरेंसेस आर इनफ। अगर एक डिफरेंस 1.1 अपॉन 4 मार्क्स का भी होएगा तब भी दैट्स इनफ। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। अब ये भी जो डिफरेंसेज हैं आपको जो क्वेश्चन में देने हैं वो भी एक एक मार्क के सब डिफरेंस हैं, और ये ऑलरेडी मेंशन है कि इनकी हमें खाली लोकेशन ही देनी है। तो लोकेशन ही देनी है, हमें एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनना, हमें डिफाइन नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें खाली जो स्पेसिफिक पूछा हो हमें वही बताना है। तो इट्स ईजी, और हमें काफ़ी ये इजीली स्कोरिंग मार्क्स हैं, ये वन वर्ड के ही हैं, खाली हमें एक इसकी लोकेशन लिखनी है और एक इसकी लोकेशन लिखनी है, कुछ नहीं करना और, तो ये काफ़ी आपके लिए ईजी रहेगा। सेकेंड हम लोग बात करते हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ अपने बुक के जो न्यूमेरिकल्स, आपके जितने भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे, वो आप अच्छे से करें, क्योंकि ये भी पिक्चर बेस्ड था, उससे पहले भी हमने भी देखा पिक्चर बेस्ड आया क्वेश्चन नंबर 2, और सेक्शन ए में भी एक पिक्चर बेस्ड था, तो आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो इसलिए अपनी प्लीज़ बुक के डायग्राम्स जितने भी हैं और जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं, जो 10 ईयर्स में भी आ चुके हैं, उनको अच्छे से करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जैक्ट फंक्शन की। हमें याद करना है ये कीवर्ड्स ही हैं, आपको इनके कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे, नेफ्रॉन्स किसके लिए आता है, आयरिस किसके लिए आता है। तो इनको हमारा वन वन वर्ड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन आंसर्स हैं, उससे ज़्यादा ये लंबे नहीं जाएंगे। ये देखिए ये नेक्स्ट आ गया आपका एक और पिक्चर बेस। नॉर्मली ISC पिक्चर बेस पे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, तो इसलिए पिक्चर बेस आंसर्स ज़्यादा हैं। साथ ही साथ हमें दिया गया कि बायोलॉजिकल टर्म्स और टेक्निकल टर्म, मतलब वन वर्ड देना है इन सब के लिए। आपको अगर सबकी डेफिनेशंस याद हैं तो आप वन वर्ड इजिली दे सकते हैं। वन वर्ड देने का सबसे बेस्ट तरीका आपको जो प्लॉट करना है, बी क्वेश्चन 1 आंसर, 1 लाइन गैप क्वेश्चन 2 आंसर, और आपको हर नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना है, सो दैट द नीटनेस इज मेंटेन्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। और आप देख सकते हैं आपके सारे क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड हैं, तो आप प्लीज़ फोकस करें अपने पिक्चर्स पे। बाकी ये भी ऐसी सेम है, आपको सेम अटेम्प्ट करना है, और ये भी आपका पेपर पूरा क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सेम है, पिक्चर बेस्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा रहे जो, और साथ ही साथ आपको वेल नीड डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, सिंपल, यू हैव टू लेबल। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे लेबल करेंगे कि जैसे अगर एग्जाम्पल से हम ह्यूमन स्पर्म बनाए तो ह्यूमन स्पर्म का, और साथ ही साथ अगर आपकी आएगी ड्राइंग, वो आप बनाएंगे जो ड्राइंग वो बनाएंगे आप सिंपल पेंसिल से, टेक इट HB पेंसिल या आपकी जो नॉर्मल राइटिंग पेंसिल है वो, और आप लेबलिंग जो करेंगे वो लेबलिंग हम डायरेक्टली अंदर नहीं करेंगे, सिंपल जैसे अगर मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, सिंपल लाइन बाहर निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ये नहीं कि आपने बस यहीं पे पिक्चर के अंदर ही ऐसे लिख दिया, नो अच्छे से वो लाइन बना के सबको इक्वल पार्ट्स में आके, जैसे इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4, हम लोग 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे, पर डायरेक्टली ओनली नेम लिखेंगे इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, और हमें पिक्चर साफ रखनी है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ पाए, नीटनेस कैरीज मार्क्स। और उसके बाद हमारा आता है साइंटिफिक रीजंस, ये वन वर्ड के रीजंस होंगे जो हमें देने हैं। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 1 के हिसाब से आया ये क्वेश्चन, और ये आपका इजी वन वर्ड है, ये अच्छे से चैप्टर, आप अगर आपको कुछ डाउट है चैप्टर 1 में तो आप ये सर से ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाई हुई है सर ने, आप काइंडली उस पर वॉच करें और देखें कैसे आता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन इसी के पार्ट की 2 की। ये इसमें आंसर वेरी ब्रीफली दिया है, पर आपको इसमें ऐसा कुछ ब्रीफली देना नहीं है, वन वर्ड ये होएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद मेन बात ये, इसमें 2 फीचर्स ही मांगे हैं, 1 मार्क का है तो 1.5 और 0.5 मार्क्स का एक एक आंसर, एक एक फीचर होएगा, तो आपको खाली 1 वर्ड आंसर है, इसके 2 वर्ड हो गए, इसका 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स। एज रिस्ट्रिक्शन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एक ही हमारा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 19 और 21, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट आंसर, तो ये आप देख सकते हैं खाली 2 2 वर्ड्स के आंसर्स हैं या 1 वर्ड के आंसर है, ज़्यादा हमें डिफरेंस में नहीं जाना है। तो इन शॉर्ट हमारा जो बायो पेपर होएगा, इसके जो क्वेश्चंस हैं आपको मैं दोबारा बताती हूँ, आपको 5 4 out of 6 की जगह जो हमें चॉइस है हमें 5 out of 6 करना है, ताकि हम लोग एक सेफर साइड पर रहें, और हमें अगर लग रहा है कि हमारा कोई आंसर गलत है तो हमारे पास एक और क्वेश्चन होएगा चेक करवाने के लिए। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन हैं वो लेंथी नहीं होने चाहिए आंसर्स उसके, क्योंकि 1 वर्ड ही हैं या 1 1 मार्क के ही हैं सारे, तो आपको अपने जो आंसर्स हैं 1 वर्ड या फिर 2 to 3 लाइन्स रखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। नेक्स्ट जो आपके डायग्राम्स होंगे उन्हें आपको पेंसिल से बनाना है, डोंट यूज एनी पेन,
और विद नीट लेबलिंग, लेबलिंग साफ सुथरी अच्छी करनी है आपको, ये नहीं कि आपने हॉचपॉच कर दी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो बाकी प्रोसेस है कि हमें क्या करना है। हमें हर क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है, ऊपर आपको जो क्वेश्चन नंबर है वो उसको आपको ब्लैक इंक से लिखना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा, इसको आप लाइट साफ रखेंगे। नेक्स्ट आपकी जो स्पेलिंग्स है, काफ़ी जो मैंने आईएससी में अभी तक देखा है कि बच्चे आईएससी में स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक करते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट स्पेलिंग्स भी होती हैं, तो इसलिए आप प्लीज़ स्पेलिंग्स अच्छे से फोकस करें, क्योंकि जो बायोलॉजी में वन वर्ड आंसर सबसे ज़्यादा नॉर्मली स्पेलिंग्स पर ही होते हैं, टेक्निकल टर्म्स ही होते हैं, तो इसलिए अगर आपकी स्पेलिंग गलत होगी तो आपको डायरेक्टली जीरो मिलेगा। तो इसलिए आपको अपनी स्पेलिंग्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी, क्योंकि कभी कभी बच्चे मियोसिस माइटोसिस सबकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं। इसलिए मेक श्योर यू हैव लर्न ऑल द स्पेलिंग्स, सारी स्पेलिंग्स आपने अच्छे से याद करें, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर है, स्पेसिफिक रहेंगे और आपके नॉर्मली जो क्वेश्चन हैं सारे वन वर्ड और स्पेसिफिक टर्म्स पे ही होंगे। अब हम बात करते हैं सुबह का क्या प्लान रहेगा। अगर आप 6 o'clock तक वेक करते हैं, सुबह उठते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं सुबह। सबसे पहले आपने जैसे ही देखा, मैंने आपको दिखाया है कि हमारे नॉर्मली मोर देन 50% क्वेश्चंस आर पिक्टोरियल बेस्ड, मतलब नॉर्मली जो 50% क्वेश्चंस हैं हमारे पिक्चर्स पे ही हैं, डायग्राम्स पे ही हैं, एक्सपेरिमेंट्स पे ही हैं। तो आप सबसे पहले अपने बुक के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स या फिर जो पिक्चर वाले डायग्राम्स हैं उन सबको आप सुबह एक बार रिवाइज करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं पिक्चर रिलेटेड, जैसे ह्यूमन स्पर्म उसका भी जो हमने लास्ट में देखा, एक उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उससे पहले हमने देखा कि सेंट उसका आपका ट्री वाले डायग्राम का था, जो नॉर्मली मतलब आपका आई हो गया, सर्कुलेट, जितने भी आपके पिक्चर्स वाले क्वेश्चंस हैं आप उन्हें सुबह रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप सुबह अपने डेफिनेशंस कर सकते हैं, और जो डायग्राम आपको टफ लगा था आप वो कर सकते हैं सुबह रिवाइज, और जो चैप्टर आपको टफ लगता है कि हाँ मैं इसमें वीक हूँ प्लस वो वाले चैप्टर्स आप कर सकते हैं। और अगर आप एक बार सुबह फास्ट बुक रीडिंग लगाएंगे या पेज टर्न करेंगे, उससे भी आपकी रिवीजन जल्दी हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 8 से 8:30 तक, 8 to 8:30, मतलब 6 से 8 तो आप ये सब रिवाइज करेंगे, अपनी पिक्चर्स डायग्राम्स वाला के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो और डेफिनेशंस। और उसके बाद जब आपके पास टाइम बचेगा, तो अगर आपके पास बचा तो डायग्राम्स और जो चैप्टर आपको वीक लगता है कि मैं इसमें वीक हूँ वो करेंगे। साथ ही साथ 8 to 8:30 आपको क्या करना है, अपनी फास्ट बुक पेज टर्निंग करनी है और चेक करना है, या जो आपके नोट्स बने हैं उनके पेजेस टर्न करके आपको बस ये चेक करना है कि मैंने याद कर लिया है एक बार बस, क्योंकि पेज टर्निंग में भी आपको कहीं का कोई डेफिनेशन दिख जाती है जो आपको लगता है अरे ये मेरे को याद ही नहीं है, तो एक बार रिवाइज हो जाएगी। तो आप आधे घंटे में अपने एक बार बुक टर्न करके सब देख लीजिएगा और गो विद अ फ्रेश माइंड आराम से, कोई पेपर ऐसे लेंदी नहीं आता, ईजी आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड बायोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।